माय चैनल। अपने आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक गेम के बारे में। अगर आप टीजीटी पीजीटी या फिर टीएसएसपी किसी भी ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कुछ गेम की हिस्ट्री के बारे में, वो कब बनाए गए थे, उनके कुछ मेजरमेंट्स, उनकी फेडरेशन कब बनी थी, या फिर वो सबसे पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किए गए थे, या फिर उनसे जुड़े किसी खिलाड़ी के नाम। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जनरल हमारे गेम से उनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले गेम जो हमने लिया है दैट इज बास्केटबॉल। तो अगर हम बास्केटबॉल की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो बास्केटबॉल जो है ये गेम 1891 में बनाया था और इसे जिसने बनाया था उनका नाम था डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ जो है वो एक फिजिकल एजुकेटर थे स्प्रिंगफील्ड में, जो कि यूएसए में है, वहां पे उन्होंने इस गेम को डेवलप किया था। और जब ये गेम बनाया गया था उस समय जो बॉल यूज की गई थी वो ऐसी बॉल नहीं थी जैसे आज हम देखते हैं या फिर जो हम यूज करते हैं, और उस समय जो बास्केट का यूज उन्होंने किया था वो एक पीच बास्केट थी। वो बास्केट ऐसी नहीं थी जिसमें बॉल डालने से वो नीचे से गिर जाए, वो ऐसी बास्केट थी जिसमें बॉल डालने के बाद फिर निकालने भी जाना पड़ता था। बात करें सबसे पहला मैच जो है वो बास्केटबॉल का कब खेला गया था, तो 1892 में बास्केटबॉल का सबसे पहला मैच जो है वो स्प्रिंगफील्ड में ही खेला गया था। उस वक्त वहां पर एक टीम में 9 प्लेयर्स थे। पहले जो नंबर ऑफ प्लेयर्स थे किसी भी टीम में वो फिक्स नहीं थे, तो बहुत सारे लोग जो है वो एक साथ बास्केटबॉल खेलते थे। बात करें बास्केटबॉल की फेडरेशन के बारे में तो 1932 में जो फीबा है उसका गठन हुआ था। फीबा का मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बास्केटबॉल, जो कि 1932 में बनी थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। 1932 में इसकी फेडरेशन बनने के बाद 1936 में सबसे पहली बार जो है बास्केटबॉल मेंस को ओलंपिक में शामिल किया गया, जो कि बर्लिन में हुआ था। इसके बाद 1950 में जाकर बनी इंडिया की बास्केटबॉल फेडरेशन, जिसे हम BFI के नाम से जानते हैं, वो इंडिया की बास्केटबॉल फेडरेशन है जो कि 1950 में बनी। और 1950 में इसके बनने के बाद 1951 में जब सबसे पहली बार एशियन गेम्स हुए तो वहां पर उसमें बास्केटबॉल को शामिल किया गया, जो कि एशियन गेम्स दिल्ली में कराए गए थे। इसके बाद 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक में वुमेन को बास्केटबॉल में शामिल किया गया। सो ये एक क्रोनोलॉजी है बास्केटबॉल की। 1891 में बास्केटबॉल बना, 1892 में सबसे पहला बास्केटबॉल का मैच हुआ, 1932 में जो है फीबा यानी बास्केटबॉल की इंटरनेशनल फेडरेशन जो एस्टैब्लिश हुई जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद जो ओलंपिक हुआ 1936 में बर्लिन में, उस ओलंपिक में बास्केटबॉल मेंस को शामिल किया गया। उसके बाद 1950 में BFI बनी यानी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। उसके बाद 1951 में जब सबसे पहली बार एशियन गेम्स कराए गए तब बास्केटबॉल भी उसका हिस्सा रहा। एंड 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक में विमेन बास्केटबॉल को भी ओलंपिक का हिस्सा बनाया गया। फिर बात करें बास्केटबॉल के इक्विपमेंट की, तो बास्केटबॉल में यूज होने वाला इक्विपमेंट सिर्फ एक है, जो कि है बास्केटबॉल। दो तरह की बास्केटबॉल का यूज होता है, एक जो है विमेन के लिए यूज होती है जिसे हम 6 नंबर बॉल कहते हैं, और मेन के लिए यूज होने वाली बॉल को हम 7 नंबर बॉल कहते हैं। दोनों के ही बॉल का जो साइज है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो कि विमेन के लिए यूज होता है और जो मेन के लिए यूज होती है। विमेन के लिए यूज होने वाली बास्केटबॉल का सर्कमफेरेंस 72 सेंटीमीटर होता है, और जो मेन के लिए बास्केटबॉल यूज होती है उसका सर्कमफेरेंस होता है 75 सेंटीमीटर। वेट की बात करें तो विमेन के लिए यूज होने वाली बॉल का जो वेट है वो 510 से 567 ग्राम्स होता है, और जो मेन का है वो 567 से 650 ग्राम होता है। बाद हम बात करेंगे बास्केटबॉल के कोर्ट के मेजरमेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं बास्केटबॉल के कोर्ट के मेजरमेंट्स के बारे में। जो बास्केटबॉल का कोर्ट होता है उसकी जो लंबाई है वो होती है 28 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है ये होती है 15 मीटर। बास्केटबॉल के सेंटर में एक सर्कल होता है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो होता है 1.8 मीटर, और इसके डायमीटर की बात करें तो वो हो जाएगा इसका डबल,
यानी 3.6 मीटर। यहाँ पर जो सर्कल बने होते हैं इनका भी रेडियस जो है वो सेम होता है, यानी इसका भी डायमीटर जो है वो 3.6 मीटर होता है। यहाँ जो ये सर्कल दिख रहा है इमेजिनरी सर्कल है ऐसा, जो अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये जो बास्केटबॉल की रिंग है उसको यहाँ पर एक तरीके से शो किया गया है जो कि सिर्फ इमेजिनरी है, ये कोर्ट का पार्ट नहीं होता। फिर यहाँ पे ये और ये इन दोनों की डिस्टेंस जो है वो 0.6 मीटर होती है। अगर इस कंप्लीट रेक्टेंगल की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 4.8 मीटर और इसकी जो लंबाई है वो है 5.9 मीटर। इस एरिया को रेस्ट्रिक्टेड एरिया कहा जाता है। और ये जो एक सेमी सर्कल जैसा बना हुआ है, जो एक सेमी सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल का जो रेडियस है वो इस सेंटर से जो रिंग का सेंटर है वो होता है 6.75 मीटर, जो कि अगर हम एंड लाइन से पैरेलल एक लाइन बनाए जो कि इमेजिनरी लाइन है तो वहां से, वरना यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस होती है वो है 6.60 मीटर। ये जो डी बना है इस डी के बाहर से अगर आप शूट करते हो, इस डी के बाहर किसी भी एरिया से अगर आप शूट करते हो देन आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप इस डी का लाइन कट भी करते हो तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। इस डी के अंदर से कहीं से भी अगर आप शूट करते हो तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं, बट अगर आपको फ्री थ्रो मिलता है जो कि आप इस एरिया से लेते हो तो आपको एक फ्री थ्रो का 1 पॉइंट मिलता है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 0.9 मीटर होती है। मेरे डायग्राम में बहुत ज्यादा हो गया है बट एक्चुअल में दिस इज 0.9 मीटर। इस लाइन को एंड लाइन बोलते हैं जो दोनों साइड होती है, और इनको हम साइड लाइन बोलते हैं। अगर लाइन से इस सेंटर के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो ये होता है 1.575, और अगर सिर्फ यहाँ तक की बात करें तो ये होता है 1.2 मीटर। बास्केटबॉल कोर्ट के चारों तरफ जो है वो 2 मीटर का जो एरिया है उसको खाली रखा जाता है ताकि वहां पर जो भी रेफरी है वो उसका यूज कर सके और जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। ये सेंटर लाइन होती है और सेंटर लाइन जो है वो दोनों साइड से 15 सेंटीमीटर इधर तक निकली हुई होती है। ये जितनी भी लाइंस होती है उनकी विड्थ 5 सेंटीमीटर होती है। ये जो लाइन है वो 28/15 का जो एरिया है उसके बाहर होती है, तो अगर जो बॉल है वो इस लाइन को टच भी करती है तो उस बॉल को आउट मारा जाता है। यहाँ से 5 मीटर राइट साइड और 5 मीटर लेफ्ट साइड तक के एरिया को खाली रखा जाता है जो कि एरिया होता है स्कोरर के लिए, और स्कोरर के दोनों साइड जो है वो टीम की सिटिंग एरिया होती है, यानी जो दो टीमें खेलती हैं उनके जो सब्स्टिट्यूट होते हैं, जो कोचेस होते हैं, वो इन सिटिंग एरिया में बैठते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको थ्रो इन लाइन बोला जाता है, और एंड लाइन से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है 8.325 मीटर। वैसे इसमें बहुत सारे और भी मेजरमेंट है। यहाँ पे एक नो चार्ज एरिया होता है जिसका रेडियस जो है वो 1.25 मीटर होता है, पर इतने सारे पिक्चर जो है वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। जो पूछा जाता है यूजुअली जो सेंटर में सर्कल है उसका रेडियस कितना है, फिर उसका डायमीटर कितना है, बास्केटबॉल के चारों ओर कितनी जगह एरिया जो है वो खाली रहती है, दैट इज 2 मीटर। यहाँ जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन और इस लाइन के बीच की जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, दैट इज थ्रो इन लाइन, जहां से थ्रो लेते हैं। देन जो बास्केटबॉल की रिंग है उसकी हाइट कितनी होती है, बास्केटबॉल की रिंग की हाइट जो है वो 10 फीट होती है, और अगर मीटर में लिखें तो दिस इज 3.05 मीटर। यहाँ पर एक बैकबोर्ड लगा हुआ होता है जिसपे वो रिंग फिक्स होती है, उस बैकबोर्ड की हाइट जो है वो होती है 2.90 मीटर। इस बैकबोर्ड की डायमेंशन की बात करें तो इसकी लंबाई होती है 1.80 मीटर और इसकी चौड़ाई होती है 1.05 मीटर। बात करें इस रेक्टेंगल की जो कि बास्केट के ही ऊपर बना होता है, तो इसका डायमेंशन होता है 0.59 मीटर लंबाई और 0.45 मीटर होती है इसकी चौड़ाई। और जो रिंग है, अगर रिंग के हम डायमीटर की बात करें तो वो होता है 0.45 मीटर, जो रिंग लगी होती है उसका डायमीटर। बास्केटबॉल के बेसिक रूल्स की बात करें तो जो गेम स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। गेम के स्टार्ट में जंप बॉल किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे अगर पॉइंट्स की बात करें तो इसके बाहर से अगर कोई भी बास्केट करता है
तो उसको 3 पॉइंट्स मिलते हैं, और इसके अंदर के एरिया में कहीं भी आप बास्केट करेंगे तो आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपको फ्री थ्रो मिलता है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। वायलेशन होने पे या कुछ फाउल होने पे जब थ्रो इन दिया जाता है तो वो इस एरिया से दिया जाता है। बास्केट होने के बाद जो है वो बॉल एंड लाइन से ली जाती है, उस समय जो है वो बॉल चेक नहीं कराई जाती, बट इन केस ऑफ एनी वायलेशन जब कोई वायलेशन होता है तो रेफरी बॉल चेक करता है और आप थ्रो इन एरिया से ही बॉल को अंदर पास करते हो। बात करें प्लेइंग टाइम की तो बास्केटबॉल का जो गेम है उसमें 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर्स होते हैं। सबसे पहले 10 मिनट का मैच होता है, फिर उसके बाद 2 मिनट का रेस्ट टाइम होता है, फिर से 10 मिनट का मैच होता है और दूसरे क्वार्टर के बाद हो जाता है हाफ। उसके बाद फिर से 2 क्वार्टर होते हैं 10 मिनट का, फिर 2 मिनट का ब्रेक और फिर 10 मिनट का क्वार्टर। हाफ टाइम के बाद जो है टीम ए अगर यहाँ शूट कर रही थी तो हाफ टाइम के बाद वो इधर शूटिंग हो जाएगी, टीम बी अगर पहले इधर शूट कर रही थी तो हाफ टाइम के बाद वो इधर शूट करेगी। तो हाफ टाइम के बाद जो कोर्ट है वो चेंज हो जाता है, बट सिटिंग चेंज नहीं होती, जो जहाँ बैठा है वो वहीं पे रहेगा। यहाँ पे 24 सेकेंड रूल होता है। 24 सेकेंड रूल का मतलब है बास्केट होने के बाद जब आप यहाँ से बॉल स्टार्ट करते हैं तो 24 सेकेंड के अंदर आपको वहां पे जाके एक बास्केट या अटेम्प्ट करना होता है। बास्केट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ पास करते रहेंगे और अटेम्प्ट नहीं करेंगे 24 सेकेंड के अंदर तो बॉल जो है वो ऑटोमेटिकली दूसरे को मिल जाएगी। 8 सेकेंड रूल की बात करें तो आपको 8 सेकेंड में अपने कोर्ट से इस कोर्ट को पार करना होता है या फिर हाफ कोर्ट के आगे जाना होता है। देन 5 सेकेंड रूल की बात करें तो आप 5 सेकेंड से ज्यादा बॉल को होल्ड करके खड़े नहीं हो सकते। देन 3 सेकेंड रूल, आप जो ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है वहां पे 3 सेकेंड से ज्यादा नहीं खड़े हो सकते जब वहां पर आप किसी भी तरह का कोई अटेम्प्ट नहीं ले रहे हैं। फिर बात करें फाउल और वायलेशन की तो जो फाउल्स है वो लिमिटेड होते हैं। एक प्लेयर एक मैच में 5 से ज्यादा फाउल करने के बाद बाहर हो जाता है मैच से, और जो वायलेशन है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। वायलेशन जो है वो काउंट नहीं होते हैं, फाउल जो है वो काउंट होते हैं। यूजुअली 3 तरह के फाउल होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज पर्सनल, सेकेंड वन इज टेक्निकल एंड थर्ड वन इज अनस्पोर्ट्समैन फाउल। किसी भी तरह के फाउल करने के बाद अगर आपने एक मैच में 5वां फाउल किया तो आप उसके बाद उस मैच से बाहर हो जाते हैं। अगर वायलेशन की बात करें तो अगर आपने डबल ड्रिबल कर दिया, आप बॉल लेके चलने लगे, आपने बॉल को कैरी कर लिया, या फिर आप बैक कोर्ट चले गए। बैक कोर्ट का मतलब है कि अगर आप बॉल लेके इधर से इधर आ रहे हैं तो बॉल इधर पास होने के बाद तो वापस आप बॉल को बैक कोर्ट नहीं पास कर सकते अनलेस किसी ओपोनेंट ने उस बॉल को टच नहीं किया। सो ये कुछ रूल्स है बास्केटबॉल के। अगर आप बास्केटबॉल के और भी रूल्स जानना चाहते हैं बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ रूल्स, यू कैन गेट द पीडीएफ ऑफ रूल बुक इन डिस्क्रिप्शन। बास्केटबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है वो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है वो होते हैं 12, लेकिन जो प्लेइंग होते हैं वो होते हैं 5, जो 7 है वो होते हैं सब्स्टिट्यूट, यानी एक बार में 5 ही प्लेयर एक टीम से खेलते हैं। एक बार में अगर दोनों टीम के प्लेयर्स की बात करें तो 10 प्लेयर ही कोर्ट पर होते हैं। बास्केटबॉल गेम में जो चेस नंबर यूज किया जाता है वो चेस नंबर 0 से 99 तक कोई भी नंबर हो सकता है। ये थे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बास्केटबॉल गेम के बारे में। इफ यू वॉन्ट मोर अबाउट इट यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन। डू फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट एंड कीप वॉचिंग टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।